उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेंदुए की दस्तक ने दहशत मचा दी। शहर शहर मंडराती इस मौत से हर कोई सहमा हुआ है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर शिकारी जानवरों की दस्तक सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। दरअसल जंगल की अपनी दुनिया है, और जब भी जंगल के बड़े शिकारियों का नाम आता है तो टाइगर लेपर्ड यानी गुलदार का नाम ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाता है। टाइगर लेपर्ड और चीता बिग कैट फैमिली के 3 सदस्य हैं, जिसे पूरा जंगल ही थर थर कांपता है। इनका जंगलों में इतना रुतबा है कि इनकी आहट ही किसी के भी दिल में खौफ भर देती है। बिग कैट फैमिली का सबसे ताकतवर सदस्य टाइगर को माना जाता है, और टाइगर की राजशाही अपने क्षेत्र में किसी और शिकारी को बर्दाश्त नहीं करती, और जहां टाइगर की दस्तक हो जाती है उस क्षेत्र को अपने खौफ से अपना बना लेता है। टाइगर के खौफ की वजह से ही गुलदार अपने क्षेत्र को भी छोड़कर नए क्षेत्र की तलाश शुरू कर देता है, और गुलदार को इसी तलाश की वजह से गुलदार ने रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देनी शुरू की, क्योंकि जनपद उधम सिंह नगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं से लगा है और इस जंगल में टाइगरों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से टाइगरों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है। और टाइगरों के खौफ की वजह से गुलदारों ने रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, क्योंकि गुलदारों को छुपने की अच्छी जगह और आसानी से पालतू जानवरों का शिकार करने को मिल जाता है। जो रिहायशी इलाकों में जो आवाजाही हो रही है, वो लेपर्ड की हो रही है। लगातार लेपर्ड की घटनाएं सुनने में आ रही है, लोगों के तरफ लेटर भी आ रहे हैं, उनके फोन भी आ रहे हैं, और उच्च स्तर से भी इस पर निर्देश प्राप्त हुए कि ये जंगली जानवरों को जो रिहायशी आबादी में क्षेत्र में आने से रोका जाए। तो उस संबंध में ये अवगत कराना है कि वास्तव में स्थिति यह है कि जंगल में अभी जैसे आपको पता ही है टाइगरों का एस्टिमेशन का रिजल्ट आया है, तो टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो टाइगर और लेपर्ड का सीधा सीधा संबंध है कि अगर टाइगर बढ़ेंगे तो लेपर्ड को अब उन जो क्षेत्र है जिस एरिया में लेपर्ड रहते हैं वो एरिया भी टाइगर कवर कर लेता है, तो उनको मजबूरन बाहर भागना पड़ता है। लेपर्ड वैसे भी जंगल के फ्रिंज एरिया में रहते हैं, आबादी और जंगल के बीच वाले हिस्से में रहते हैं, जिससे कि उनको आबादी में आकर के कई बार वो जंगली जो लेपर्ड हैं वो अपना कुत्ते उत्ते या और कोई जानवरों को मार के ले जाते हैं, और जो अंदर जो जंगल के अंदर भी है वहाँ पर भी वो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब क्योंकि टाइगर बढ़ गए हैं तो इसलिए वो टाइगर ने उनका एरिया भी कवर कर लिया, तो इसलिए मजबूरी में उनको बाहर आना पड़ रहा है। बाहर आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। गुलदार की दस्तक आबादी वाले क्षेत्रों में डर का माहौल बनाए हुए ही, तो दूसरी ओर लगातार आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ोतरी दे रही है। आए दिन गुलदार के एक्सीडेंट की खबर क्षेत्र में सनसनी फैला देती है। बहरहाल समय रहते जंगल के रखवालों को VIP इलाकों में गुलदार की दस्तक पर रोक लगानी चाहिए, ताकि इंसानी जिंदगी भी महफूज रहे और गुलदार का अस्तित्व भी खतरे में ना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।